अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो। तो व्यूअर्स, आज हम आ चुके हैं फिर से कैंसिल स्टेशन, क्योंकि अनिल भाई की थी बुकिंग जो हमने कैंसिल करवानी थी। पिछले ब्लॉग में हमने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग आपको कैंसिलेशन रिफंड की सारा सिस्टम और सारा प्रोसेस दिखाएंगे कि कितनी कटिंग होती है, क्या हिसाब किताब होता है। अनिल भाई दिखा दो अपनी टिकट, दिखा दो भाई, बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखाएंगे। पुरानी होगी, फट भी है ये। तो आज की थी, तो आज हम आ चुके हैं कैंसिलेशन, तो चले चलते हैं पता करते हैं क्या जी। अभी जाके पता करते हैं रिजर्वेशन ऑफिस में जाके, अभी उधर जाके भाई देखते हैं, कैंसिलेशन करते हैं और कितना हमें रिफंड देते हैं, फिर आपको बताते हैं। चले व्यूअर्स, अनिल भाई कैंसिलेशन करवा के आ चुके हैं। ये देखिए अनिल भाई आ गए। अनिल भाई कितनी कैंसिलेशन हुई, क्या हिसाब किताब हुआ? यार कैंसिलेशन होगी, ये बहुत इजी मेथड है, ठीक है। अच्छा, तो अगर जिस दिन की, जिस डेट की आपकी बुकिंग है ना, उसी डेट पे आके आप कैंसिलेशन करवाते हैं जी, तो आपको आपका पूरा रिफंड मिलेगा, ठीक है। अच्छा, मतलब आज की डेट की है ना, ₹100 काटेंगे, बाकी पूरा रिफंड मिलेगा आपको। और अगर एक दिन भी, बुकिंग से एक दिन भी पहले आप यानी कि कैंसिलेशन करवाते हैं, तो आपको 30% लॉस होगा। मतलब बात करने का मकसद ये, 30% आपका काटा जाएगा, और जो मतलब अगर आप डेट गुजर जाती, डेट के बाद करवाते हैं तो भी आपको डेट गुजर भी जाती है तो नो इशू। अगर ट्रेन नहीं चल रही, डेट गुजर जाती है, आप डेट गुजरने के बाद अगर आते हो तो आपको आपकी पूरी पेमेंट मिलेगी। कैंसिलेशन स्लिप दिखा दें हम जी। कैंसिलेशन स्लिप ये रही मेरी, और कैंसिलेशन स्लिप है, और ₹10 किस चीज़ के काटते हैं? ₹10 अभी मुझे तो मुझे लग रहा है कि वो प्रिंटिंग के काटते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन उन्होंने ₹10 मेरी जो मेरी अमाउंट थी उसमें से काटे हैं, बाकी रिफंड उन्होंने मुझे पूरा दिया। तो व्यूअर्स, इन्फॉर्मेशन आपको हमारी अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। बिल्कुल, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।